अज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों और बुज़ुर्गों, ख़ास तौर से नौजवानों, हम आपसे फिर एक मरतबा अपील करते हैं कि जो भी हजरात हमारे पेज के लिए अपने दिल में बॉक्स रखते हैं, इससे उनको फ़ायदा क्या है? दिल को सुकून नहीं मिल सकता मेरे भाई, नहीं मिल सकता। आप जो है किसी के ख़िलाफ़ अगर कुछ आप एक बिना मतलब के, बिना कोई उसका रिज़ल्ट देखे बगैर करेंगे, इसका अल्लाह के पास जो है उसकी पूछ है। जो सब्र करेगा अल्लाह बराबर हिसाब लेगा। बहरहाल हम आपसे एक मरतबा फिर अपील करते हैं कि आप जो है ऐसा काम मत करें जिससे आपकी औलाद और आपके वालदेन को भुगतना पड़ा। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें। हमारा मकसद आप समझ सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस लाना, जो लोगों की बदहाली है, ख़ास तौर से आज जो हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद में जो मुसलमानों की सबसे बड़ी अगर कोई मुसीबत और परेशानी है तो वो है घर का किराया। आप समझ सकते हैं कि एक घर का किराया आजकल दो बेडरूम का 10 से 12 हज़ार बल्कि 15 हज़ार से कम नहीं होता है लाइट नल का बिल मिला के। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वक्त बहुत ही परेशानी के आलम से लोग गुजर रहे हैं। ये और बात है कि कर्ज़े वगैरह लेके लोग शादियों में दिखाते हैं और वो भी जो है सरमायेदारों के पास जाता है पैसा। तो आप जो है जो भी लोग परेशान हाल हैं उनको अवेयरनेस लाने का काम करिए। जैसे कि देखिए डबल बेडरूम जो स्कीम है, आज हम उसके बारे में आपको बात करेंगे। देखिए जो ग्रेटर हैदराबाद के जो MLA हैं, जितने भी MLA हैं ग्रेटर हैदराबाद में, जो तकरीबन अच्छे ही 13-14 जो भी MLA आते हैं, तो उनके एरियाज़ में देखिए और आप जो है यहाँ हैदराबाद के जो है कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, आप जो भी इलाकों में जो है ना उनके पास के कितने बेडरूम इशू हुए। तो ये जो है नाइंसाफ़ी नहीं तो क्या है बताइए आपके, या बोलिए आप हुकूमत से, तो हम बात करने से रहे परेशान मुसलमान, तो अपने नुमाइंदे से बात करिए आप, चाहे वो कॉरपोरेटर हो, चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, या कोई मिनिस्टर हो, या कोई अहदेदारी क्यों ना हो। देखिए हर मसले का हल अहदेदार के थ्रू ही निकलता है। जैसे जो है हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े ऑफिसर से आप मुलाकात होती है आपकी, जो भी आपके नुमाइंदे होते हैं, तो उसको एक स्पीड देने के लिए, उसमें तेज़ी आने के लिए बात होती है। जो स्कीम बरसों पहले उसका ऐलान होता है, लेकिन जो है सबसे आगे यानी जो है एक मिसाल मशहूर है, देखिए आप डबल बेडरूम का जो मसला है वो काफ़ी हैदराबाद से आप हट जाएंगे तो आलीशान तरीके से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास तौर से नॉन मुस्लिम को जो दिया गया है, जैसे SC ST बैकवर्ड जो भी है, दिल खोल के उनके ऊपर लुटाया गया है कि जो है फ़लाँ स्कीम, ये स्कीम 10 लाख 15 लाख हुकूमत की जानिब से वो नुमाइंदगी हो रही है, वोट की खातिर ये दिया जा रहा है। यही तो होगा ना भाई, ये आप लोगों के काम आएंगे तो लोग भी आपके काम आएंगे। तो देखिए डबल बेडरूम का जो मामला है वो वोट डालने पे ही गरीब गुरबत जो बताएंगे, ख़ास तौर पे जो नीचे तबके के मुसलमान हैं वो तो नीचे ही है, यानी ठेला बंडी बोलिए आप जो है, या फिर जो है छोटे छोटे जो नौकरियां करते हैं उनकी हद नहीं है। लेकिन जो मिडिल क्लास जो तबका है, जो किराए दे रहा है, जो बिल्कुल जो है उनकी जो तनख्वाह 20-25 हज़ार 30 हज़ार भी होती है, तो अगर 15 हज़ार अगर वो घर पे दे देंगे तो क्या वो लोग जो है ज़िंदगी बसर करेंगे बताइए? क्या जो है ना मेडिकल जो है या कोई तकरीब होती है तो क्या हिसाब से पेट्रोल की महंगाई। तो ये मिडिल क्लास का जो मसला है वो बहुत ही सीरियस है इस वक्त। मैंने कई लोगों से बात की कि किराए में कमर तुड़ जा रही है लोगों की, तो क्या क्या मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई उम्मीद नहीं है? वो अपने आप में घुटना, क्योंकि वो वोट नहीं डालते क्या? वो भी वोट डालते हैं। ऐसा नहीं है कि ठेला बंडी मौज बेचने वाला ही आपको वोट डालेगा, नहीं, सभी लोग वोट डालते हैं, तभी जाके ये होता है। तो इसी के लिए डबल बेडरूम का जो मसला है वो बहुत ही जो है फ़ायदेमंद है। ये स्कीम सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ायदेमंद है तेलंगाना स्टेट में तो जो है मेरी नज़र में, हो सकता गलत भी है, लेकिन डबल बेडरूम की स्कीम है। इस पर आप, आपको मालूमात नहीं भी है तो आप जो है गूगल पे सर्च करिए, या नहीं है तो अपने थोड़ा टाइम दीजिए, अपने कॉरपोरेटर के साथ, अपने MLA के पास जाइए। एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, कई मरतबा जाना पड़ेगा आपको, तभी जाके इसका कुछ हो सकता हल। बहरहाल देखिए अगर आप जो है अपनी ज़िंदगी को संवारना है तो ज़िंदगी का सबसे पहला पड़ाव यही होता है कि वो मकान। जब आप मकान में उलझे रहोगे तो फिर समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कौम के लिए तो शायद
मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि देखते देखते महीना आता है, महीना होते ही जो है आप अपने पेट को काट काट के उसका किराया भरते हैं। किसी बैंक एम्प्लॉई होने दीजिए, किसी जो है जो भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसको अकेले में ले आके पूछिए, तो वो सिर्फ नमी आँखों से आपको जवाब दे सकता है कि आप समझ जा सकते हैं कि क्या हालात है। फिर स्कूल के बच्चों की एक हो या दो हो, अब आजकल तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल, पब्लिक डोमेन में भी आगे बात, क्योंकि हर चीज़ खुली हो रही है, ये इस्तेमाल हो रहा वो इस्तेमाल हो रहा, इससे साबित क्या होगा, क्या हमको मुसलमानों को वो चीज़ से क्या लेना देना है कि आप जो है बच्चों के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। तो उससे बहरहाल देखिए, आप जो है उलझे हुए रहना मकसद रहता है, सियासतदानों की ये आदत है, आप वो आदत को बदलना है तो आप ही को बदलना पड़ेगा, वोट के ज़रिए हो लीजिए या उनसे आपका हक पूछना है तो आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, अपने मसाइल को बताना पड़ेगा और उनका घेराव जमहूरी अंदाज में करना पड़ेगा, जब भी जाके आपको कुछ होता है, देखिए कुछ हो सकता है, तालीमी इदारे होने दीजिए, हुनरी इदारे होने दीजिए, ये अपनी जगह है, रोज़गार के मौके हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 25 से 30 हज़ार रुपये भी कमाने वाला, 25 से 30 हज़ार रुपये कमाने वालों का एवरेज भी 10 से 12% है, जो इसमें जो है मिडिल क्लास जो लोग हैं वो किराया देने के बाद कमर टूटी जाती है। आपको 40 से 45 बिल्कुल गुर्बत की ज़िंदगी में लोग गुजार रहे हैं, और जो अजला में है तो और भी बदतरीन हालत है। जो भी आपके पास 20-21% जो पैसे वाले हैं, जिनके पास अल्लाह ने जो है क्या बोलते हैं आपके जायज़ नाजायज़ जिस तरह से भी दौलत नवाजा है, वो अल्लाह बेहतर ही जानता है कि वो लोगों के पास वक्त नहीं है, बस जो है कहीं भी कोई भी एक तंजीम आ जाती है, चेक या फिर कैश की शक्ल में जो है उनको ले लिया जाता है, आप वो खाना खिलाइए, ले जाके जो है बड़े बड़े पोस्टर्स लगाइए या फिर क्या करते हैं अपने मामलात के लिए, वो उनकी बात तो करना बेकारी है, क्योंकि वो खामोशी से कहाँ करते कैसा करते वो अल्लाह का मामला है, किस तरीके के वो पैसा है क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो डबल बेडरूम पर फिर आ रहा हूँ मैं, क्योंकि घर इतना शानदार है, आप देखिए IMX होटल में कभी जाना, और आपको नेकलेस रोड के पास देखिए इतना खूबसूरत बना हुआ है, गेटेड कम्युनिटी के हिसाब का बना हुआ है, हालांकि गरीब तबका आपको दिया गया हुआ है, उसके अंदर शायद एक दो चार हो सकता है मुसलमान भी वहां आपको मिल जाए, मगर इससे काम पूरा नहीं हो सकता। हमारे पास इस तरीके की आबादी बढ़ते जा रही है, जैसे देखिए आप बेंगलुरु हाईवे है जिसमें आपको चंद्रयान गुट्टा, उसके बाद सविता इंदिरा रेड्डी का इलाका आता है, और फिर जो है जहांगीर पोंग के दरगाह का इलाका आता है, ये इलाका बढ़ते जा रहा है मुसलमानों के लिए, जो है वहाँ जगह फ्राहम हो सकती है। आपने सुना होगा कि तालीम के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को दिया जाए, लेकिन उसमें भी जो है वो ठंडी फाइल कहाँ पता नहीं कहाँ CM साहब जैसा लॉक करे, वक्फ रिकॉर्ड को वैसा भी कहीं लॉक हो गई और उसका कोई अभी तक कोई जवाब दे नहीं है, क्योंकि ऑटोनमस बॉडी है, चंदों पे जो है इनकी तनख्वाहें खुद के निकल रहे हैं, इस पर गवर्नमेंट क्या मदाखलत करेगी, कितना भी बोल लो कितना भी लिख लो कुछ भी नहीं, मामला चलते रहेंगे, आने वाले 2024-26 के इलेक्शन में वक्फ ख़त्म हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि वो जो है जो बड़े बड़े सरमाएदार जो किराए पे खाविज हैं वो उनकी हो जाएगी, और ये देखिए आप माइनॉरिटी मिनिस्टर भी शायद 2026 तक ख़त्म होने का ऐसा अंदेशा है। लिहाजा आप अपने जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उसको जो है करेक्शन कर लीजिए, वोट हक देने का है आपको, कहाँ आपको वोट देना है, कैसे वोट देना है, या नहीं तो जो है एक आप जो है जमहूरी हक है आपका, इलेक्शन लड़के देखिए, आपके ख़ानदान के अहवा से बात करिए, पैसा तो देखिए बगैर खर्च करे कुछ होता नहीं है, जब आप मैदान में उतरेंगे उसके गाइडलाइंस उसके क्राइटेरियाज मालूम करेंगे, इलेक्शन पार्टी लड़ने के लिए इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए पार्टी फॉर्म करने के लिए आपको हर चीज़ गूगल पे है, आपको एक चीज़ प्लेटफॉर्म है, बच्चे से किसी भी बच्ची से सब सर्च कराइए, हो सकता है आपकी किस्मत जो है अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी मुमकिन नहीं है, कोई सोचा था कि अरविंद केजरीवाल आप पार्टी जो है दिल्ली में जो है ऐसी जीत हासिल करेगी कि सारी दिल्ली की हुकूमत को नीच तल तल पुतल हो गई, फिर पंजाब, और फिर देखिए आप मेरी बात आपको याद आएगी कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी इनको मजबूर कर देगी, आवाम जो है बहुत खामोशी से काम कर रही है वहाँ पे, क्योंकि उनको मालूम है कितने वो नीचे आ गए हैं इतने साल में, उनको जो है क्या हासिल हुआ,
हिंदू मुस्लिम झगड़े में वो सब कुछ जानते हैं, लिहाजा जो है वो लोग खामोश अंदाज में काम कर रहे हैं। सभी कम्युनिटी परेशान है वहाँ पे, जैसा यहाँ पे जो है घर के लिए परेशान है। तो मैं आपसे फिर एक मरतबा दो तीन चीज़ की अपील करूँगा। एक तो हमारे पेज पर रिपोर्ट करना बंद कर दीजिए, अल्लाह सुबहान तआला के खैर से बचिए। वो जब जलाल में आएंगे तो फिर आपकी औलाद, आपके माँ बाप को इसका भुगतना पड़ेगा, ये मैंने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है। और दूसरा मेरी अपील है कि डबल बेडरूम का जो भी मैटर है वो अपने कंसर्न MLA MP कॉरपोरेटर जो भी इंतज़ामिया है उनसे पूछिए। और तीसरा, इलेक्शन आपका जो है ID कार्ड इलेक्शन वोटर ID कार्ड से लिंक करिए ताकि आपको वोट डालने में आसानी हो और आप अपना हक, आपका फंडामेंटल राइट, आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्तेमाल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।